हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काबुली चने की टिक्की बनाने जा रही हूँ। इसे चिकपी टिक्की या चिकपी पैटीज भी कहते हैं। इसे कभी भी खाया जा सकता है। बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स का मेज़रमेंट मैंने वीडियो के एंड में दिया हुआ है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चनों को 8 घंटों के लिए भिगो दिया था और उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में 5 सीटी आने तक पका लिया है। आप सीटी कम भी ले सकते हैं बिकॉज हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। अब हम चने को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, साथ ही 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, आधी कटोरी हरा धनिया, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बेसिकली हम बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नींबू का रस मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ मिक्सर ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। 1 स्मॉल साइज का आलू मैंने बॉईल करके ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सिर्फ आलू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, सॉल्ट, मैंने चने को बॉईल करते वक्त उसमें सॉल्ट डाला था इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा ही सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, गरम मसाला या छोले मसाले भी डाल सकते हैं आप, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो की तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारा डो रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे। टिक्की की साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। टिक्की बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिक्स लेंगे और उसे अपने दोनों हथेलियों के बीच रख के रोल करेंगे और फिर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से मैं बाकी की टिक्कियां भी बना लेंगी। टिक्की बनके रेडी है। अब हम इसे शैलो फ्राई करने के चलेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी करके खा सकते हैं, बट मैं इसे पैन में शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। पैन को गैस पर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आप घी पसंद करते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने करीब 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें टिक्कियाँ ऐड कर देंगे। टिक्की थोड़ी सावधानी से ऐड कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। अब सेकेंड साइड पे भी हम इसे इसी तरह से पका लेंगे। इसे एक बार और हम फ्लिप कर देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे। तो देखिए हमारी टिक्की तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और फेवरेट चटनी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।